Hi everyone, I am Madhuri and welcome back. I hope you all are doing well. So guys, for today's video, मैं आपके साथ Dr. Sheth's के sunscreens का review share करने वाली हूँ. मैंने इसमें दो variants को purchase करा है and ये दोनों sunscreens मैंने खुद खरीदे हैं. ये video Dr. Sheth's से sponsored नहीं है, just ये video Amazon से sponsored है. तो आप चाहो तो इसको Amazon से buy कर सकते हो. आपको links मिल जाएंगे description में. इन दोनों sunscreens को मैंने खुद ही खरीदा है, तो मेरे जो reviews हैं वो totally honest हैं. So guys, now without any further ado, let's get started with the video. So the first variant that I have ceramide and vitamin C sunscreen and second is haldi and hyaluronic acid sunscreen. So ये दो sunscreens मैंने खरीदे हैं. इसका एक और variant आता है जो थोड़ा सा costly होता है, तो मैंने दोनों ही same price के खरीदे हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ceramide and vitamin C sunscreen की. इसका outer packaging कुछ इस तरह से है and second sunscreen that I have this one which is haldi and hyaluronic acid sunscreen. तो ये कुछ इस तरह से packaging में आता है. दोनों की packaging same है. So, इसके अंदर आपको कुछ इस तरह से ट्यूब देखने के लिए मिलता है. सो ये है सेरामाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन एंड दिस इज देयर हल्दी एंड हाइलुरोनिक सनस्क्रीन. तो इसकी दोनों का ही सेम है, साइज भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. सो गाइस, ये है डॉक्टर शेड्स का सेरामाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन विथ एसपीएफ 50 प्लस पीए ट्रिपल टाइम्स प्लस एंड ऑल्सो इट हैज 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स, 2% वाइटामिन सी कॉम्प्लेक्स, 1% हाइलुरोनिक एसिड एंड मिनरल एंड ऑर्गेनिक फिल्टर्स, प्लस ये यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन भी देता है. एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो तो ये आपको रिकमेंडेड नहीं है, इस पर मेंशन करा हुआ है, तो आप इसको यूज़ ना करें. इसका एमआरपी 499 है एंड इसकी क्वांटिटी 50 ग्राम्स की आपको मिलती है. एंड इसमें वाइट कलर का टेक्सचर है इस वाले सनस्क्रीन का, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है, इजीली ब्लेंड हो जाता है. नेक्स्ट सनस्क्रीन है हल्दी एंड हाइलुरोनिक सनस्क्रीन विथ एसपीएफ 50 प्लस पीए ट्रिपल टाइम्स प्लस है इसमें भी एंड ऑल्सो इट हैज 1% हाइलुरोनिक एसिड एंड 1% टर्मरिक एक्सट्रैक्ट. इसमें भी ऑर्गेनिक एंड मिनरल फिल्टर्स हैं एंड ये दोनों ही सनस्क्रीन आपको यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन देते हैं, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन देते हैं. एंड इस सनस्क्रीन का टेक्सचर लाइट येलो कलर में है एंड ये भी इजीली ब्लेंड हो जाता है. दोनों का टेक्सचर मुझे कैसा लगा है, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा. इनका टेक्सचर काफी ज्यादा लाइट वेटेड है, टोटली समर अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल भी स्वेट क्रिएट नहीं करता एंड बहुत ज्यादा लाइट वेटेड है एंड बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट तो छोड़ता ही नहीं है. नॉर्मल मॉइस्चराइजर की तरह आप इसको यूज कर सकते हो. काफी अच्छी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो. काफी हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है, येलो कलर में है. That is how it looks like. बिल्कुल water like, gel like consistency है, जो कि easily blend हो जाता है, बिल्कुल भी white cast नहीं छोड़ता and आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा hydrating है. So ये water based है, oil based नहीं है and moisturized कर देता है काफ़ी अच्छे से skin को, बहुत ही ज़्यादा hydrating है. तो चाहे फिर dry skin वाले हों combination या फिर oily skin वाले, सबको ही ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी oil नहीं है but ये बहुत ज़्यादा hydrating है. So dry skin वालों को भी ये बिल्कुल भी issue create नहीं करेगा. एंड अगर विंटर्स की बात करें, सो अगर ऑयली, ज्यादा ऑयली स्किन है एंड अगर आप मॉइस्चराइजर स्किप करके सनस्क्रीन यूज करते हो, तो ये भी वैसा ही वर्क करेगा जैसा कि आपका कोई भी नॉर्मल सनस्क्रीन जो वाटर बेस होता है, वैसे ही वर्क करेगा ये भी. बट अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो आपको एक हैवी मॉइस्चराइजर लगाकर ही इसको अप्लाई करना होगा, क्योंकि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है. तो ड्राई स्किन वाले अच्छा मॉइस्चराइजर अप्लाई करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरी स्किन है वो है ड्राई एंड विंटर्स में एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है. उसके अकॉर्डिंग मुझे इसका टेक्चर एकदम परफेक्ट लगा है, बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है एंड ड्राई नहीं करता है मेरी स्किन को एंड मुझे अच्छा भी लगा ये वाला सनस्क्रीन. एंड ऑल्सो इसमें काफी माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है. वैसे तो इसमें फ्रेग्रेंस है नहीं, बट थोड़ा बहुत लिटिल बिट फ्रेग्रेंस जो आता है ना, वो इसमें है थोड़ा बहुत. तो यही है इसका टेक्सचर एंड इसका टेक्सचर बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी स्वेट क्रिएट नहीं करता, बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग है. सो अगर आप इसको बाय करने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली इसको खरीद सकते हो, काफी अच्छा लगेगा आपको. एंड नाउ आप इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फेस पर ये कितने इजीली ब्लेंड होता है. सो गाइस, अभी मैं अपने फेस के एक साइड अप्लाई कर रही हूँ सेरामाइड एंड वाइटामिन सी सनस्क्रीन. तो इसका मैं उतना ही क्वांटिटी लेती हूँ जितना मेरे फेस के लिए इनफ होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले लेती हूँ एंड उसको ब्लेंड करना डिफिकल्ट हो जाता है, चाहे फिर कोई भी सनस्क्रीन हो. ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है, ऑयली भी नहीं है, चिपचिप भी नहीं करता. नेक्स्ट साइड मैं अप्लाई कर रही हूँ हल्दी एंड हाइलुरोनिक सनस्क्रीन. इसकी क्वांटिटी भी मैंने कम ली थी, आपने देखा होगा, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्ट लेने से ब्लेंड करना डिफिकल्ट होता है एंड इतनी ज़्यादा अमाउंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिया करो. या गाइस, ये जो सनस्क्रीन है ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, चाहे आपकी ड्राई हो, ऑयली हो या कॉम्बिनेशन हो, आप यूज़ कर सकते. सो गाइस, यही इसका टेक्सचर था. मुझे तो इसका टेक्सचर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, आपको यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन भी देता है, ब्लू लाइट प्रोटेक्शन भी देता है एंड इसमें एसपीएफ 50 प्लस है एंड पीए ट्रिपल टाइम प्लस मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है इस वाले
वाले समर्स के लिए, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप इसको लेने का सोच रहे हो तो बिल्कुल बाय कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, पैसे खराब नहीं होंगे आपके। इन दोनों में से आप कोई भी खरीद सकते हो, मुझे इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं मिले हैं। एंड या एक चीज जरूर मेंशन करूंगी मैं, कुछ कुछ सनस्क्रीन्स होते हैं जिसको हम जब रब करके अप्लाई करते हैं तो आईज पर अगर अप्लाई करें तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट बर्निंग सेंसेशन होता है। सो इसमें भी होता है मेरे साथ, क्योंकि मैं डर्माको का 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन यूज करती हूँ, तो मुझे उसके नीचे कुछ कमेंट्स आए थे कि उनको आईज में बर्निंग सेंसेशन होता है। तो या गाइस, किसी किसी सनस्क्रीन से साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं होते हैं, बट उसका जो फॉर्मूला होता है उससे आईज में थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो आप उसको अपने आई के अराउंड थोड़ा सा स्किप करिए लगाने से, थोड़ा सा दूर से अप्लाई करिए, क्योंकि फेस के लिए तो वो सही सेफ रहता है, बर्निंग सेंसेशन देगा, तो आप इसको स्किप कर सकते हो अपने आई अराउंड लगाने से। सो मुझे भी होता है बर्निंग सेंसेशन, उस वीडियो में मैं मेंशन करना भूल गई थी, तो मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। सो गाइज, दैट्स ऑल इस प्रोडक्ट के लिए, मेरा यही रिव्यू था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोग के लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो, एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है आपको, प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइज। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।